हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक और नई माइनक्राफ्ट की हॉरर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और अभी गाइस हम लोग यहाँ पर एक कोने में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो, ये कौन है भाई? यहाँ पर तो एक स्केलेटन की लाश पड़ी हुई है, बट यहाँ पर ऐसे इसकी ऐसी हालत किसने की होगी भाई? यहाँ पर ऐसा कौन है जिसने यहाँ पर, ओ ये कौन है? ओ भी तो म्यूटेंट स्केलेटन है भाई, हमको क्यों मार रहा भाई? मैंने नहीं मारा उसको भाई। भाई इसको लग रहा कि मैंने स्केलेटन को मारा, बट ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर सिर्फ चेक करने के लिए आया था भाई। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को छोड़ दो प्लीज़ स्केलेटन, छोड़ दो प्लीज़। ओ माई गॉड, ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ भाई? लगता है कि स्केलेटन ने मेरे को यहाँ पे बंद कर दिया है। लेकिन भाई मैं तो यहाँ से आराम से वापस बाहर निकल सकता हूँ क्या? गाइस मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँगा या फिर नहीं निकल पाऊँगा भाई? लग तो यार मेरे को निकल जाऊँगा। ठीक है गाइस, मैं यहाँ से आराम से बाहर निकल जाऊँगा। लेकिन भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो स्केलेटन ने भाई मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी गाइस मुझे यहाँ बंद कर दिया भाई। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा ये लोग क्यों करते हैं भाई? मैं तो सिर्फ वहाँ चेक करने के लिए गया था, मुझे क्या पता कि वहाँ पर स्केलेटन की लाश पड़ी हुई है। वो नूब बात सुन भाई, मेरे को यहाँ से नीचे उतार भाई। अभी नीचे उतारने के लिए कुछ तो कर भाई। ये नूब सुन ले, अबे नूब ओए, नूब ओए, अबे नूब भाई, नूब। हेलो, मैं ऊपर हूँ, ऊपर देख। अबे अंधे ऊपर देख, अबे अंधे ऊपर देख भाई। कुछ तो अच्छा, ये पक्का अंधा भाई, ये तो भाई पूरा ही अंधा है भाई। ऊपर देख ही नहीं रहा भाई, ऊपर तो देख पागल कहेंगे। नूब ऊपर देख भाई, तेरा दोस्त खड़ा है ऊपर। हाँ मैं रिच माइनर, मेरे को ऊपर देख भाई, बचा ले भाई। भाई नीचे कोई ऐसा जुगाड़ कर कि मतलब मैं कूद जाऊँ और मैं बच जाऊँ। वहाँ तो पानी डाल दे भाई, यहाँ पर प्लीज़ पानी डाल दे। ओके तो कैसे जा रहा मेरे को कुछ बचाने के लिए, कुछ लेने के लिए जा रहा है शायद। देखते हैं क्या लेके आता है, जिससे कि ऐसे हम लोग नीचे कूद के आराम से बच जाएंगे। अभी क्या लेके आ रहा है? अभी तो लावा लेकर आया है भाई। लावा से थोड़ा बचेंगे हम, पागल है क्या गाइस? अबे तेरी अकल कहाँ है भाई? तू अकल से पैदल है क्या भाई? अबे लावा में मैं कैसे कूदूंगा भाई? तू पागल है क्या भाई? पानी लेकर आ, पानी में तू पीता नहीं है क्या पानी? तू भाई इसके अंदर बिल्कुल सेंस नहीं है गाइस। मैं क्या करूँ भाई इसका भाई? अब देखो भाई, स्टोन लेके आ गया मैं, स्टोन में थोड़ा ना कूदूंगा। अबे स्टोन में थोड़ा ना कूदते हैं भाई। अबे उस पर कूदते हैं तो पानी में कूदते हैं भाई, पानी लेकर आ। अब अगर मैं स्टोन में कूदूंगा तो भाई मैं तो एक ही बार में मर जाऊंगा भाई, बचने का कोई चांस ही नहीं है भाई। पानी लेकर आ ब्रो, तेरी मतलब तेरे बारे में मैं क्या ही बोलूँ भाई, तू तो पागल ही है। ओके तो अब ठीक है, चल मैं इस पर कूद जाऊँगा, इस पर मैं बच जाऊँगा भाई। इस बार हुई ना बुद्धि का भाई, एक दिमाग वाला काम भाई, ऐसे काम किया करना। ये लेके अगर तू फर्स्ट टाइम अगर ये लेके आता तो भाई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता मेरे को। तो रुक जा भाई। ओके तो बस फाइनली मैं नीचे कूद चुका हूँ। अबे तूने बहुत देर कर दी मेरे को बचाने में, बट कोई दिक्कत नहीं, बच तो गया है भाई। अच्छा हुआ मैं लावा में नहीं कूदा भाई, वरना मैं तो अभी मर ही जाता। तो वैसे अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस थोड़ा सा आराम करने के लिए, क्योंकि बहुत थक चुके हैं भाई, मतलब भाई पागल हो चुके हैं। इस घर में कौन है? अबे बियर कहाँ से आ गया? अबे बियर, ओ शिट गाइस, बियर कहाँ से आ गया? अबे यार तूने, अबे नो तू मतलब तू पागल वागल हो गया क्या? मतलब तू बियर को पाल रहा है घर के अंदर? मतलब अबे हम लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तू बियर को पाल रहा है कि अबे कैसा इंसान है भाई तू? ऊपर से बियर देखो तेरे पीछे पड़ गया। मैंने कहा था भाई ऐसे लोगों को नहीं पालते हैं जो हमारे जान के दुश्मन हो। अबे ये इसके ऊपर बैठ गया? अरे वाह यार नूब, तेरा जवाब नहीं यार, तू इसके ऊपर बैठ गया भाई, तू तो बहुत खतरनाक है। ये बादल काले काले कैसे हो गया अचानक से यार? क्या होने वाला है यहाँ पे? कौन है, कौन यहाँ पे मरा रहा है भाई? ऐसा कौन यहाँ पे बंदा है जो जिसने बादल काले कर दिए भाई हमारी इजाज़त के बिना? भाई हम हैं यहाँ के राजा है, और हमारे अलावा कौन आ गया भाई? भाई मेरे को इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए कि अब वो भी तो काली बिल्ली है। अब ये तो काली कैट है यार, ब्लैक कैट कोई होती है क्या भाई? कार्टून कैट है शायद, आई थिंक ऐसी कार्टून कैट है जो कि इसमें पहले भी भाई मैं इससे मिल चुका हूँ क्या? मैं इससे कभी नहीं मिला भाई, ये दोबारा से मेरे वर्ल्ड में के अंदर कैसे आ चुकी है? ओ माई गॉड, ये मेरी तरफ ही क्यों आ रही है? और ये कौन है? लुनार मून भी आ चुका है। ओ इन दोनों की शायद फाइट होने वाली है। अब गाइस हम लोग शायद एकदम फ्री हो चुके हैं, बच चुके हैं, अब इन दोनों की फाइट होने वाली है। वाह 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 जी वाह। अबे लुनार मून ने गाइस उसके शरीर में अपना सर फट कर लिया, सॉरी उसके शरीर में अपना सिर फिट कर लिया। ओ भाई ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है भाई, मतलब काफ़ी सुंदर लग रहा है। रुको रुको भाई, तेरी एक फोटो लेता हूँ, एक मिनट जब स्नैपचैट खोलता हूँ भाई। लुनार मून ने कहा उस बंदी को मार दिया, मतलब कार्टून कैट को लुनार मून ने मार दिया भाई। इतनी पावर कैसे हो सकती है मून के अंदर? अच्छा मेरे को अब पता लगा। अरे भागो भाई, वो आ रहा है, भागो जल्दी भागो, आ रहा है वो भाई। ओ गाइस फाइनली हम लोग बच चुके हैं, ये इस पोर्टल को तोड़ देते हैं। इससे पहले गाइस वो इस पोर्टल के मतलब वजह से अंदर आ जाए और हमको भाई जान से मार दे। लेकिन ये हम लोग आ कहाँ पे चुके हैं? ये क्या है? ये तो भाई डायमंड रखे हुए हैं बहुत सारे।
भाई डायमंड रखे हुए हैं, मैंने तो देखा ही नहीं ध्यान से। ये मैं तो यार करोड़पति बन चुका हूँ गाइस, आई एम द बिलियनर बाय नाउ। इतने सारे बड़े बड़े डायमंड से मैं तो करोड़पति बन चुका हूँ भाई। अब तो कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना सारा पैसा पैसा है तो बड़ी बड़ी मजा आ गया भाई। एकदम गाना गाने का मन कर रहा है भाई, इतना पैसा आ गया है। अब रुको, सारा पैसा मैं कर ले रहा हूँ इकट्ठा गाइस, मतलब जितना ही पैसा हो पाए। और बस अब नूब तू भी सारा पैसा इकट्ठा कर ले, हम लोग लेंगे जाके एक लैम्बोर्गिनी ओरस, ठीक है? और फिर उससे आराम से भाई कहर मचाएंगे, ठीक है? माइनक्राफ्ट के अंदर चिंता मत कर भाई। जो भी अभी भालू क्या कर रहा है, अभी भालू तेरे को भी पैसे चाहिए, तू पैसे क्या क्या करेगा भाई? तू हाँ मेरे को दे रहा है, दे भाई दे जितना दे पाए भाई, सारा लूट लो भाई, बहुत पैसा यहाँ पे भाई, पैसा ही पैसा है गाइस। अगर आप लोग को ऐसी जगह मिलेगी तो आप लोग क्या करोगे भाई? लूट लोगे ना, मेरे को पता है जरूर लूटोगे भाई। आप लोग बहुत लालची हो मेरे को पता है, आप लोग तो लूटोगे भाई। भाई जब मैं ही लूट रहा हूँ तो आप लोग क्यों लूटोगे भाई? लूटना पड़ेगा, दिस इज डायमंड भाई, इसे कहते हैं डायमंड यार। डायमंड को हर कोई लूटा जो माइनक्राफ्ट खेलता है भाई। डायमंड चीज़ ही ऐसी है भाई, डायमंड से क्या कुछ नहीं हो सकता माइनक्राफ्ट के अंदर, डायमंड से क्या कुछ नहीं हो सकता माइनक्राफ्ट के अंदर भाई। माइनक्राफ्ट से हम भाई घोड़े खरीद सकते हैं। ये कौन आ रहा है, ये कौन है भाई? ये शैतान है? नहीं नहीं तो ये तो वो है, क्या बोलते हैं उसको, अभी मैं तो भूल गया भाई इसको, क्या बोलते हैं स्नोमैन, स्नोमैन। अरे ओ भाई याद आ गया, मैं भी क्या मेरी यादाश्त कमजोर हो गई, शायद हम बादाम खाने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं गाइस स्नोमैन, बट ये यहाँ पर कैसे आ गया भाई? और इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों, आंखें फाड़ के इनको मार क्यों रहा है? रुको गाइस, हमको इससे दूर भागना पड़ेगा, पानी के अंदर चलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है भाई इससे बचने का, तो यहाँ से बचेंगे कैसे? क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो हमारे पास ही आ रहा है भागता हुआ भाई। ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, मेरे को पता लगे, अब ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये बहुत ही खतरनाक मेरे को लग रहा है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, यहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा है, उससे हमको जाना पड़ेगा अंदर वाली केव के अंदर। लेकिन उसके अंदर काफ़ी सारे शैतान रहते हैं। तो एक मोटर को ही जा रहा है क्या? जा रहा है, गया। बट इसको अब जाने दो, अगर हम लोग ऊपर जाएंगे दोबारा से पकड़ लेगा, तो इससे अच्छा है कहीं हम लोग इस सीक्रेट केव के अंदर चलते हैं, जिसका दरवाज़ा मेरे को खुल जाएगा, लॉक तो नहीं है। ओके, तो गाइस दरवाज़ा यहाँ पे खुल चुका है। बट गाइस बस यहाँ पर सिर्फ एक ही दिक्कत है, ओ कंकाल पड़ा हुआ है भाई। भाई बहुत डरावनी नू, बहुत डरावनी प्लेस है आ रही है। शॉर्ट पकड़ ले, शॉर्ट निकाल ले। हाँ एक तू ले, एक मैं ले रहा हूँ इससे। अब इसमें एक भी शॉर्ट नहीं है यार, तो चल तू अपने पास रख। लेकिन गाइस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पता क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? यहाँ पे गाइस बहुत खतरनाक शैतान रहता है, पता नहीं गाइस वो कौन होगा। बट गाइस मैंने सुना है उसके बारे में, बट मैं यहाँ पे कभी आया नहीं हूँ, पहली बार ही आया हूँ। लेकिन भाई देखते हैं यहाँ पे कौन रहता है, कोई तो अभी मेरे को देख नहीं रहा सामने शायद कोई भी नहीं है यहाँ पे। हेलो कोई, अभी ये कौन है? ये तो पॉप पेट्रोल का बंदा है ना, ये तो पॉप पेट्रोल का बंदा है। इसको तो मैं आराम से मार दूंगा भाई। एक और। ओके फाइनली इसको मैंने मार दिया, और कोई आने वाला क्या? और अभी ये काफ़ी सारे आ रहे हैं, इनको मारना ही पड़ेगा भाई। तो तीन आ गए यार, इनको मारना ही पड़ेगा। रुको, इसको मारना पड़ेगा। एक और अबे एक और खा ले, मर जा भाई, अबे मर जा भाई, कितना जिएगा भाई तू? अबे अपने अपने पैर भाई थोड़ा आराम कर ले अगर भाई। ओके इसको मार दिया, लास्ट बचा हुआ है भाई, थोड़ा आराम कर लेना भाई। कितना अबे कितना जोश है अंदर भाई, जोश कितना है अंदर? अबे थोड़ा आराम कर ले अगर भाई, पेट ले थोड़ा सा। मैंने इसका इस तीनों को शायद मार दिया क्या? ओके तो वैसे नहीं, भी एक बचा हुआ, इसको मारना पड़ेगा। ओ आया मजा भाई, मेरे से पंगा लेगा, मेरे से रिच माइनर से पंगा लेगा तू? रिच माइनर से भाई तूने जो पता नहीं है मेरा नाम क्या है, रिच माइनर ब्रो। अब ये कौन है, हगी बगी है क्या ये? अबे भाई ये सामने कौन है, हगी बगी है क्या? समझ में नहीं आ रहा भाई ये कौन है। अबे भाई ये अबे इसके मुँह में कौन, नूब है क्या भाई? नूब को छोड़ दे भाई, देख भाई नूब को छोड़ दे, मैं तेरे को बहुत मारूंगा। अभी रुक भाई, तू भी जान से जाने वाला, रुक तेरे को मारता हूँ शॉर्ट से, तेरी चट्टी उतारता हूँ भाई। सामने आ भाई, रुक जा भाग कहाँ रहा है भाई? अबे कहाँ भाग रहा है भाई तू? भाग नहीं पाएगा मेरे से भाई, मैं बहुत तेज हूँ भाई, तू कहाँ भाग रहा है भाई? रुक तो सही, अब काट भाई, निकल गई टट्टी, मैंने कहा था भाग ही नहीं पाएगा तू मेरे से। अबे कहाँ भाग रहा है भाई? अबे रुक जा भाई, अब कहाँ भाग रहा है डर के मारे भाई, डरपोक कहीं का। अबे नूब को तो छोड़ दे भाई, नूब को अपने साथ लेके जाएगा क्या? गाइस ने नूब को यार अपने मुंह में दबा रखा है, छोड़ भी नहीं रहा भाई, मतलब ये जहाँ कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ दे ब्रो नूब को, वरना तो फालतू में पिटेगा भाई। छोड़ दे भाई। ये ले भाई, मर क्यों नहीं रहा है? ओ तो फाइनली गाइस मैंने नूब को मार दिया, सॉरी, मैंने हगी वगी को मार दिया, नूब को बचा लिया है। अब गाइस हम लोग एकदम फ्री हो चुके हैं, शायद आपको अब शायद यहाँ पे कोई मॉब नहीं बचा हुआ है, देखते कोई बचा है। अब हाँ आपको अब कैसे यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब हम लोग कैसे एकदम फ्री हो चुके हैं और लोग जाने वाले हैं गाइस अपने घर पे। तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है गाइस अपने घर पे जाने की, तो चलो चलते हैं। ओ माय गॉड, तो गाइस फाइनली हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये कौन दोबारा से आ गया, लूनार मून?